हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये जो आपके सामने रखा हुआ है कूलपैड का मोबाइल, इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। और इसका फॉल्ट के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसका जो मेन फॉल्ट है यही है कि जब इसके ज़रिए किसी को फ़ोन कर रहा है या कहीं से भी फ़ोन आ रहा है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, इसका जो डिस्प्ले है ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। और बंद होने के बाद जब भी पावर बटन का स्विच प्रेस कर रहा है, कॉल ऑटोमेटिक कट जा रहा है। तो जब तक मुझे पता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे जो एक सेंसर लगा हुआ है देख सकते हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे लगा रहता है। तो इस यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है, इस सेंसर के कुछ अगर कमज़ोर हो जाए या यहाँ पे कहीं से भी पानी वगैरह चला जाए या मॉइस्चराइज वगैरह पड़ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम देखेंगे, यहाँ पे खोलने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली जो फॉल्ट है वो कहाँ पे है। तो चलिए, मैं पहले से इसको खोल के रखा हूँ और ये जो फ़ोन है अभी चालू है, तो एक बार आपको कॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमने जो आप लोगों को बताया है तो वो सही है या गलत है। तो चलिए, मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। और सिक्योरिटी के लिए देख सकते हो, मैंने कॉल लगाया और देख सकते हो हमारा डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस तरह से मैं टच कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा सेट अभी भी चालू है। और जैसे ही मैं जो पावर बटन प्रेस करूँगा तो ये कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और हमारा देख सकते हो, यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने प्रेस किया, ये मैंने प्रेस किया और देख सकते हो ऑटोमेटिकली कट हो चुका है और हमारा कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो यही इसका जो मेन प्रॉब्लम है, यही है। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद हम जो भी काम करना है हम करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे पावर ऑफ। और पावर ऑफ करने के बाद हमें जो यहाँ पे सिम और मेमोरी कार्ड लगा हुआ है इसको निकालना है, यहाँ से इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो ये इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। और इसको निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको मोबाइल रिपेयरिंग करते के कोई भी पीसीबी पे काम करोगे तो सारे जो पार्ट्स है यानी कवर है उसको निकालने के बाद सबसे पहले आपको बैटरी को निकालना होगा, बैटरी जो कनेक्टर होता है उसको निकालना होगा। क्योंकि अगर बैटरी लगा के आप काम करोगे तो थोड़ा सा अगर आपका ट्विजर इधर उधर के टच हो गया तो आपका फ़ोन बिल्कुल ही डेड हो सकता है। इसके लिए आपको जो बैटरी का कनेक्टर है इसको खोलना होगा। तो मैं यहाँ से बैटरी कनेक्टर को खोल देता हूँ, ये लीजिए। और बैटरी कनेक्टर खोलने से क्या होगा कि हमारा जो पूरा पीसीबी पे वोल्टेज जाना बंद हो गया है। अगर किसी जगह पे शॉर्ट हो जाए, हमारे गलती हो गया, मतलब ना जाने कहीं पे भी शॉर्ट हो गया, तो हमारा जो पीसीबी है वो ख़राब होने से बच जाएंगे। तो चलिए, हम सारे कनेक्टर को सबसे पहले निकालेंगे और निकालने के बाद हम धीरे धीरे जो अप्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसको हम देखेंगे कि प्रॉब्लम वहीं पे है या कुछ दूसरी जगह पे है। तो हमें पता है कि इसी पीसीबी पे हमें काम करना है। तो आप चाहे तो बैटरी को भी निकाल सकते हो। तो बैटरी निकालने का प्रोसेस मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हूँ, तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो बैटरी निकालने के बाद ही मैं इस वीडियो को ऑन कर रहा हूँ। तो गाइस, मैंने पीछे जो ग्लू लगा हुआ था वो ग्लू हटा के मैंने बैटरी को बाहर निकाल चुका हूँ, देख सकते हो कितना आसानी से। तो ये जो है थोड़ा सही हो चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका, क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हो गम लगा हुआ था, इसके वजह से उसका उस तरह की हो गया है। तो उसके बाद हम इधर से धीरे धीरे खोलेंगे और नीचे दो यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दो FPC लगा हुआ है, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड केबल। तो इसको भी हमें ध्यान से खोलना होगा इस तरह से। और ध्यान से खोलने के बाद आपको ये इस तरह से खोल लेना है, देख सकते हो खोल गया है। और उसके बाद और एक कनेक्टर रह गया है जो कि हमारा एंटेना के लिए, नेटवर्क के लिए यहाँ पे जो केबल दिया गया है, इसको भी हम खोल लेते हैं। इस तरह से मैंने निकाला और इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम था, यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लैक डॉट का प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है और उसके पास देख सकते हो बहुत सारे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मेरा जो कैमरा है ज़्यादा अच्छा नहीं है इसके लिए, सॉरी। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो छोटे छोटे कैपेसिटर लगा हुआ है उसके साइड साइड मॉइस्चराइज़र पड़ गया है, मतलब जंग लग गया है जंग। तो इस तरह की जंग लगने से इस तरह की प्रॉब्लम होता है। तो
इसको हम क्लीन करेंगे तो कोई हम थीना नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे WD-14 स्प्रे। और उससे क्या होता है कि WD-14 से अगर इसको हम क्लीन करेंगे तो दोबारा इसमें मॉइस्चराइज नहीं पड़ेंगे और जो भी पड़ा हुआ है पहले से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए WD-14 जो स्प्रे है उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस WD-14, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ये गाइस कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, घर पे जहाँ पे जंग लग गया है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है आपको थोड़ा सा। और बहुत ही काम आता है गाइस, काम का चीज़ है। आप अगर आपके लैपटॉप का कोई भी पर्टिकुलर एक स्विच में काम नहीं कर रहा है तो इसके ज़रिए आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए आज हमारा टॉपिक लैपटॉप पे नहीं है तो हम इस प्रॉब्लम को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम उस जगह पे थोड़ा सा स्प्रे करेंगे यहाँ इस तरह से। ये मैंने धीरे से करना होगा, देख सकते हो ये हमने स्प्रे किया हूँ। तो और एक दो में मतलब 20-30 सेकेंड हम रखेंगे और 20-30 सेकेंड रखने के बाद हम अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के लिए आपको जो कटन होता है उसके ज़रिए आपको क्लीन करना होगा, नहीं तो जो गड़बड़ी हो सकती है। ये देख सकते हो कटन का जो यहाँ पे स्टिक है इसके ज़रिए हम आपको क्लीन करके दिखाते हैं। और ध्यान में रखिएगा गाइस कि ये जो WD-14 है ये बहुत ही काम आता है। मैं कभी कभी LCD LED जब रिपेयर करता हूँ कहीं पर भी हमें मॉइस्चराइज दिखे तो वहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह के गाइस मॉइस्चराइज होने के बाद आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा हीट गन के मदद से। तो हीट देने के बाद ये 100% हो जाना चाहिए, लेकिन देखेंगे हीट देने के बाद कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं। तो हीट देने से पहले आप लोगों के पास मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की टेक्निकल चीज़ें जो नया नया प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कुछ में रिपेयरिंग का वीडियो डालते रहता हूँ, तो अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए नीचे जो एक रेड बटन दिख रहा होगा इस वीडियो को नीचे उसको प्रेस करके रखिएगा, और उसके बाद एक बेल आइकन को भी दिखेगा आपको उसको भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। और एक बात गाइस कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हो किसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए बहुत बात हो गया, अब मैं इसको हीट देके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको गाइस क्या होना है, 40 डिग्री के आसपास आपको रखना होगा और जो एयर है वो आपको फुल देना होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा हीट देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे ताकि ये ज़्यादा देने से ख़राब हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा ही दूँगा। तो चलिए हो गया है हमारा काम। और अब बढ़िया थे कि गाइस इसको देखना है तो थोड़ा सा हमने 400 डिग्री पर हीट दे चुका हूँ और हल्का हल्का हीट भी हो चुका है, देख सकते हो। तो अब हमें इसको लगा के देखूंगा तो बहुत ही लंबी हो गई वीडियो, और इस तरह की छोटे छोटे चीज़ देखने के लिए वीडियो लंबी हो जाएंगे। और इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कम आता है और इस छोटे छोटे चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अभी कर दीजिएगा इस, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे वीडियो के बहाना में बैठ के जाएंगे। तो चलिए मैं जो कनेक्टर खोल के रखा हूँ ये 1, 2, 3, 4 तो सारे कनेक्टर मैं लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब डेड फोन होता है तब ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह की छोटे छोटे चीज़ आप कस्टमर के सामने भी कर सकते हो और आप कस्टमर के 1-2 दिन बाद भी आ सकते हो, क्योंकि अगर कस्टमर ने देख लिया कि कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा WD-14 लगा के थोड़ा सा हीट देके ठीक हो गया, तो आपका जो पैसा है वो ज़्यादा नहीं देना चाहेंगे। तो मैं इसका जो प्राइस लूँगा गाइस लगभग 150 से 200 रुपये मैं लूँगा इसका रिपेयर करने के लिए। तो चलिए एक बार लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ठीक हुआ है कि नहीं। गाइस मैंने सारे कनेक्टर लगा चुका हूँ और इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा 2-4 में स्क्रू को भी लगा देता हूँ ताकि टेस्टिंग करते टाइम ये गलती से हमारा जो PCB है वो निकल ना जाए। तो गाइस और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो कैपेसिटर है उसके आसपास बहुत क्या हुआ था, जंग लग गया था, तो शायद कैमरा में अच्छे से नहीं देखा होगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप लोगों को
और भी अच्छे से समझने मतलब दिखाने के लिए एक DSLR ले लूँ, लेकिन यूट्यूब से इतना ज़्यादा अर्निंग भी नहीं हो रहा है ताकि मैं DSLR ले सकूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो मुझे हेल्प करना डोनेट करके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा UPI ID दे के रखा हूँ, वहाँ पर जाके आप डोनेट कर सकते हो। मैं फोर्स नहीं करूँगा, जिसको भी इच्छा है आप डोनेट भेज सकते हो, ताकि मैं DSLR खरीद के जो मेरा वीडियो क्वालिटी है उसका जो अच्छा और भी अच्छा क्वालिटी आपको दे सकूं। तो मैंने 4 स्क्रू को लगा दिया हूं और इसको बैटरी को लगा के मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही हुआ है कि नहीं। और उसके बाद यहां पे मैंने सिम कार्ड भी लगा देता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ कैमरे के सामने ही यहाँ पर, और लगाने के बाद इसको मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ही इसको प्रेस करके, और देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है। तब तक आप थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। सो गाइस, हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, तो अब आपको कॉल करके दिखाता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इस नंबर पर, और देख सकते हो हमारा जो कॉल है बिल्कुल अभी हो रहा है, क्योंकि उस टाइम इस तरह की चीज़ें नहीं आ रहा था। इसमें क्या हो रहा था, पूरा जो डिस्प्ले है वो बंद हो जा रहा था, और पावर स्विच प्रेस करने से ही हमारा जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो हमारा जो फ़ोन का जो मेन प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो इसको प्रेस करके मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम का ये सिर्फ इसी फ़ोन के लिए नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम किसी भी फ़ोन के लिए आ सकता है, चाहे वो सैमसंग हो, MI हो, वीडियोकॉन हो, जो भी फ़ोन है ऑल फ़ोन के लिए इसी ट्रिक अवेलेबल है। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अपने सारे मोबाइल टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो हमें किस तरह से रिपेयर करना है। और पीछे जो सारे चीज़ है इसको मैं अभी लगा के इसको डिलीवर कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, और इस तरह की वीडियो और भी अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।